डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीटेन स्टडी पर। स्टूडेंट्स, कल आप लोगों का मैट्रिक का एग्ज़ामिनेशन होने वाला है और कल साइंस का पेपर है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का तैयारी बहुत ही बेहतर होगा। तो इसके लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर बहुत बढ़िया जाएगा। आपने एक साल में जो भी मेहनत किया है, काफ़ी अच्छे से मेहनत किया होगा। देखिए, ये मैंने नया चैनल क्रिएट किया था जिसके कारण मैं आप लोगों का ज़्यादा तैयारी नहीं करवा पाया, लेकिन आने वाले समय में मैं आप लोगों को इस चैनल पर साइंस से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे आपका मैट्रिक लेवल का, वो सारा हम कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, देखिए कल आप लोगों को एग्ज़ाम है तो कुछ हिदायतें हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा था। देखिए, कल आप लोगों का पेपर है तो आप लोग अपने साथ एडमिट कार्ड और पेन एग्ज़ामिनेशन हॉल में लेकर के जरूर जाइएगा। होता है कई कबार क्या कि टेंशन जब होता है तो हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो भूल जाते हैं, नहीं ले पाते हैं। ठीक है, और पहले तो आप लोगों को पता ही होगा कि इस बार शिक्षक हड़ताल चलने वाला है 17 तारीख से, तो हो सकता है कि अनट्रेंड जो भी आपके शिक्षक होंगे वो वहाँ होंगे। तो कोशिश करना है कि खुद सेल्फ पर डिपेंड रहें, जो भी प्रॉब्लम्स हो पहले से उसके बारे में जान करके जाएं। तो देखिए, एग्जामिनेशन हॉल में आपसे अटेंडेंस शीट वगैरह मिलेंगे, तो आप उन सभी पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। अटेंडेंस शीट पर अटेंडेंस बनाइएगा और आपका जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर होगा वो सारा चीज़ आप लोग उस पर दर्ज कीजिएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्योंकि अगर आपने एग्जामिनेशन में कितने भी क्वेश्चंस का आंसर किया हो, अगर ये सारा चीज़ आपने कंप्लीट नहीं किया हो तो हो सकता है कि आपके आंसर शीट का मूल्यांकन ना हो पाए। तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। और आप लोगों को पता है कि 50% ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, इस बार से ये प्रावधान किया गया है। तो कल साइंस का पेपर है तो साइंस में आपका 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे जिसमें आप लोगों को 40 का आंसर देना है। और कोशिश करना है कि हमें हमेशा सही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करनी है, यानी कि जितने क्वेश्चंस सही हो पाएँ वही हम रंगें और गलत क्वेश्चन पर हम लोग ना जाएं। और बाय द वे, अगर मान लेते हैं कि हमको क्वेश्चंस पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाया 40, तब लास्ट से कोशिश करेंगे क्वेश्चन को रंगने का। ठीक है, और क्वेश्चन जो आपको OMR शीट का गोला आता है रंगने के लिए, उसको हम लोग कोशिश करेंगे ब्लैक पेन से रंगने के लिए, क्योंकि ब्लैक पेन का जेरोक्स बढ़िया आता है और आप लोगों को पता है कि ये कोई आदमी चेक नहीं करेगा, ये चेक करेगा आपका मशीन। ठीक है, तो इन सभी बातों का खास ध्यान रखिएगा और सेंटर पर आप लोग 10 से 15 मिनट पहले पहुंचने का कोशिश कीजिएगा, जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स खास करके बॉयज़, क्योंकि उनका सेंटर दूर पड़ा होगा तो वो सेंटर लेके अपना रह रहे होंगे वहाँ, तो कोशिश करेंगे कि तेल वगैरह वाला जो सामग्री होती है वो नहीं खाने का, क्योंकि हो सकता है इससे तबीयत ख़राब हो जाए। और मस्ती भी थोड़ा कम करेंगे, बिकॉज़ होता है कि कुछ दोस्त अगर साथ में होते हैं तो लोग मस्ती करते हुए पूरा रात बिता लेते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि 10 बजे या 11 बजे रात तक आप लोग सो जाएँ, ताकि आपका माइंड फ्रेश रहेगा तो आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में किसी भी क्वेश्चन का आंसर क्लियरली कर पाइएगा। तो इस वीडियो में मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके कल के एग्जामिनेशन में आने की इसकी संभावना है। ठीक है, और देखिए, एग्ज़ाम जब आप लोगों का ख़त्म होगा तो मैं उसके बाद आप लोगों के लिए आपके एग्ज़ाम का ऑब्जेक्टिव का आंसर की लेकर के आऊँगा। ठीक है, एग्ज़ाम के ख़त्म होने के जस्ट बाद, ठीक है, जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन बुकलेट आएगा मैं उससे क्वेश्चन को उसको फ़ोटो लेके और उसका आंसर बना के मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा, ताकि आप एग्ज़ाम देकर के आएँ तो अपना आंसर मिला पाएँ। तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी आप लोगों के सामने इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आप लोगों को मिस ना हो पाए। देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके कल के आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो नए क्वेश्चन हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है, जो हमने पढ़ा है उसी को रिवीजन करना है, क्योंकि हमको अब नया पढ़ने का टाइम है नहीं, क्योंकि कल पेपर है आपका। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने कभी न कभी एक साल में आया ज़रूर होगा और आपने किया होगा, तो ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग इसको बारीकी से देखिएगा। चलिए हम बात करते हैं, ये सेक्शन है आपका फिजिक्स का। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दो सेक्शन में क्वेश्चंस आएंगे आपका, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव टाइप का आएगा। तो देखिए, यहाँ पर खंड ब है जिसमें मैंने फिजिक्स के कुछ 8 क्वेश्चंस लिए, कुछ इसी तरह क्वेश्चन आएंगे, 8 प्रश्न आएंगे जिसमें से आप लोगों को 4 प्रश्नों का जवाब देना होगा। ठीक है, उसी तरीके से मैंने इसमें डिज़ाइन किया है। तो चलिए,
देखिए, जैसे कि पहला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज़ क्या है, यह किस मिश्र धातु का बना होता है। ठीक है, तो मैं बोल दे रहा हूँ क्योंकि टाइम है नहीं कि मैं लिख पाऊँ। ठीक है, तो चलिए देखिए, विद्युत फ्यूज जो है सुरक्षा की एक युक्ति है जिसे विद्युत परिपथ में सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाया जाता है। और अगर हम बात करें यह किस का मिश्र धातु होता है, तो यह सीसा और टिन का मिश्र धातु होता है। ठीक है, स्टेनम एंड प्लम्बम का। दूसरा है आवर्धन क्या है। ठीक है, देखिए टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो चलिए मैं आंसर नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, अगर आप लोग आंसर का रिक्वायर्ड होगा तो ज़रूर वीडियो देखने के जस्ट बाद कमेंट कीजिएगा, तो हो सकता है मैं शाम तक इसका वीडियो अपलोड कर दूँ आंसर के साथ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को देख लेना है, आवर्धन क्या है। ठीक है, फिजिक्स से। और प्रतिरोध क्या है और इसका एसआई मात्रक। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, पता है सभी लोगों को। उसके बाद उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने से होकर जाने वाले प्रकाश के किरण को एक ही बिंदु पर अभिसरित कर देता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। और अपसारी लेंस अवतल को क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह क्या कर देता है, अपने से होकर जाने वाले प्रकाश की किरण को फैला देता है। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। उसके बाद आपको याद रखना है प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर क्या है। फिर याद रखना है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, लघु पतन से आप क्या समझते हैं, और प्रकाश के अपवर्तन क्या है, इसके नियमों का उल्लेख करें। तो फिजिक्स में मैंने इस तरीके के क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो इसमें से आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन। अच्छा, पाँच नंबर वाले में देखिए ओम्स रूल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ओम्स रूल और उसके सत्यापन करने का जो तरीका होता है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर आपसे विद्युत जनरेटर का सिद्धांत, कार्य और इसकी बनावट के बारे में पूछा जाएगा। तो ये फिजिक्स का रहा आप लोगों का। ठीक है, आठ प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से आपको चार का जवाब देना है, और उसके बाद ये आपका पाँच नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से किसी एक का उत्तर देना होगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लें केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी आठ प्रश्न लिए हैं, केमिस्ट्री से भी आपके आठ प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से चार का जवाब देना होगा। जैसे मेंडलीफ के आवर्त सारणी के विसंगतियों को लिखें। देखिए, पीरियोडिक टेबल का मैंने 18 मिनट का एक वीडियो बनाया था जो कि मैंने पहले इस चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं। 18 मिनट कोई खास टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को, और सारा पीरियोडिक टेबल मैंने उसे 18 मिनट में कवर कर लिया है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट था, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, मेंडलीफ के आवर्त सारणी के विसंगतियों को लिखें, इसको देख लीजिएगा। फिर है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण एवं विधि एवं उपयोग लिखें। देखिए, केमिस्ट्री में आपने जितने भी केमिकल फॉर्मूले पढ़े होंगे उन सभी को आप लोग याद रख लीजिएगा। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो गया, जिप्सम का हो गया, बेकिंग सोडा का हो गया, धोवन सोडा का हो गया। ठीक है, तो इन सभी का आप लोग केमिकल फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा और केमिकल नेम याद रखिएगा। ठीक, और आपने जो कार्बनिक कंपाउंड पढ़ा होगा हैलोजन वर्ग, उसमें से भी आपके जो फॉर्मूले पूछे जाते हैं एल्केन एल्कीन एल्काइन का, ठीक है, या फिर एल्कील का, सबको आप लोग देख लेना है आप लोगों को। चलिए अगला देखते हैं, एल्यूमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में क्यों करते हैं। अगला प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप लोग इसका आंसर दे लेंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि बाय द वे अगर आप आंसर किसी का नहीं जानते हैं तो कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा, हम इस पर एक स्पेशल वीडियो शाम तक आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, उसके बाद है आयनिक यौगिकों के गलनांक क्यों होते हैं। भाई, आयनिक यौगिक जो होता है वह धन और ऋण आयन का बना होता है, जिसके वजह से इसके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, और इसी को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसीलिए इसका क्या होता है, क्वथनांक जो होता है वो हाई होता है। ठीक है, यहाँ पर हाई होगा, देख लीजिएगा। उसके बाद है अगला प्रश्न आपका, फिर नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखें। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपने पढ़ाई होगा, तो इसे आप कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाने की विधि एवं क्लोरीन के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया को लिखें। फिर भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करें। तो ये रहा केमिस्ट्री का आपका लेखा जोखा। ठीक है, कि केमिस्ट्री में आपसे इतने सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी को आप लोगों को कम्प्लीट कर लेना है, केमिस्ट्री में भी इसी तरीके से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं बायोलॉजी के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आप लोगों को याद रखना है अमीबा में पाचन कैसे होता है। ठीक है,
अमीबा में पाचन कैसे होता है, कितने चरणों में कंप्लीट होता है, ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद है तिलचट्टा, मछली तथा मनुष्य का श्वसन अंग का नाम लिखें। ये एग्जामिनेशन में बहुत बार रिपीट हुआ है आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में। याद रखिएगा जितने भी कीट होते हैं उनमें ट्रैकिया होता है, ठीक है। मछली में आपका गिल्स या फिर गलफरा याद रखेंगे, और मनुष्य या कह लें कि स्थल पर जितने भी जीव रहते हैं ना उनमें फेफड़ा याद रखेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट है, अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है, ठीक है। देखिए अमाशय जो होता है ना वो हमारा पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें भोजन सबसे ज़्यादा टाइम तक रहता है, और अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है जो भोजन को पचाता है और भोजन के साथ आने वाले कीटाणुओं को नष्ट करने का काम करता है, ओके। या इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि अमाशय से स्रावित होने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदलता है, तथा पेप्सिन जो है भोजन के प्रोटीन पर कार्य करके उसको पेप्टोन में बदलता है, ओके। इतना आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगला याद रखना है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर याद रखना है, और श्वसन क्रिया का केमिकल इक्वेशन आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। ये केमिस्ट्री में भी आपसे पूछा जा सकता है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो देखिए आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, मधुमेह जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है, और बौनापन जो होता है वह वृद्धि हार्मोन की कमी से होता है। तो ये सब याद रखिएगा, और पादप में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। एथिलीन जो है एकमात्र गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला पादप हार्मोन है, ठीक है, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है पारितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है धमनी और सिरा में अंतर लिखें, ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट है, आप लोग सारे को कंप्लीट कीजिएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जो आपके 5 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, तो वो प्रश्नों को एक बार हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए 5 नंबर वाले प्रश्न में आपको देखना है मनुष्य में पाचन क्रिया को पाचन तंत्र के नामांकित चित्र के साथ समझाएं, ठीक है। जो पाचन तंत्र है आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था बायो का, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है उसके बारे में आप लोगों को बाय फिगर और उसका जो क्रियाविधि होता है वो सारा कंप्लीट करके लिखना है, ठीक है। जैसे कि मुख गुहा से पाचन स्टार्ट होता है, उसके बाद भोजन के जो कण होते हैं वो जाते हैं ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद ग्रास नली के बाद अमाशय, ओके। अमाशय में रहता है मैक्सिमम 4 घंटों तक, जहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा जठर रस से जो भी रस स्रावित होते हैं उनके द्वारा भोजन का पाचन होता है, फिर जाता है छोटी आंत में भी अग्नाशयी रस वगैरह जो होते हैं वह कार्य करते हैं और भोजन को ब्रेक डाउन करने का कार्य करता है, ठीक है, और वहाँ पर छोटी आंत में भोजन का पाचन कंप्लीट हो जाता है। और भोजन का जब पाचन कंप्लीट हो जाता है तो छोटी आंत का एक भाग है इलियम, तो इलियम के विलय के द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, ठीक है, और जो अपचा भोजन होता है वह रेक्टम में जाके संचित रहता है, तो ये याद कर लीजिएगा। अगला है 28वां प्रश्न, देखिएगा अत्यधिक व्यायाम के दौरान शरीर के खिलाड़ियों के शरीर में क्रैम्प होने लगता है क्यों। देखिए अत्यधिक व्यायाम करें या काम करें तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके वजह से यानी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके वजह से वहाँ पर लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, और ये लैक्टिक अम्ल जो होता है इसी के वजह से हमारे पेशी कोशिकाओं में दर्द या फिर क्रैम्प देने लगता है या महसूस होता है। नेक्स्ट है रक्त क्या है, इसके घटकों को लिखें। तो देखिए ब्लड जो है एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है, और अगर हम इसके घटक की बात करें तो 3 कंपोनेंट होते हैं, आप लोगों को पता है RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC जो होता है वह हीमोग्लोबिन के वजह से रेड कलर का होता है, और यह शरीर में श्वसन गैसों का परिवहन कराता है और टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है। और WBC की बात करें तो WBC जो है यह हमारे शरीर में जितने भी इम्यून सिस्टम है उसको डेवलप करने का काम करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को डेवलप करने का काम करता है, या यूँ कह लें कि हमारे शरीर को रोगों से बचाने का काम करता है। प्लेटलेट्स की बात कर लें तो यह क्या करता है, रक्त को थक्का बनाता है, ठीक है। रक्त के थक्का बनाने से याद रखिएगा हेपेरिन जो है हमारे शरीर में रक्त को क्लोटेड नहीं होने देता, थक्का नहीं होने देता है, ठीक है। और विटामिन के भी जो है इसके वजह से भी क्या होता है, रक्त थक्का जमता है। तो जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं सारे पॉइंट्स को आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, ओके। लास्ट में फिर से बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए, पहले बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के लिए, और सबसे बड़ी बात एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने से पहले आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, क्योंकि मुस्कुराहट जो होता है ना वो हारी हुई बाजी में भी जीत दिला देता है। तो मुस्कुराहट आपके चेहरे पर होनी चाहिए ताकि आप सारे टेंशन से फ्री हों, और अगर आप टेंशन से फ्री रहेंगे तो आपका माइंड एक्टिव रहेगा, और माइंड एक्टिव रहता है तो आप सारे क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे, ओके। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा,
और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ऑल करके, ठीक है, ताकि मैं कल जो आंसर की अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। या आप नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिएगा, कल मैं आंसर की अपलोड कर दूँगा, ठीक है, और उसको आप लोग देख करके अपना आंसर मिला लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।